नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि दिसंबर से 2500 रुपये देने की तैयारी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार चौथी किस्त 1000 रुपये नवम्बर में महापर्व छठ के मौके पर देने के बाद पांचवी किस्त दिसंबर से 2500 रुपये दी जाएगी। इसका लाभ 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। बता दें, समान राशि में 2.5 गुना बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। ऐसा होने पर हर लाभुक महिला को हर साल 30000 रुपये मैया समान राशि मिलेगी। संभावना है कि कैबिनेट बैठक में इसे संबंधित महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी जाए। अब तक 4 चरणों में निकाली गई मैया समान यात्रा के दौरान महिलाओं का जोरदार समर्थन मिला है। यात्रा के दौरान महिलाओं की ओर से मैया समान राशि बढ़ाने की मांग भी होती रही है। यात्रा की अगुवाई कर रही महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी कई मंचों से मैया समान राशि बढ़ाने की भी बात लगातार कहती आई है। मैया समान यात्रा का 5वां चरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा सोमवार को हो सकती है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में 1 से 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बता दें, 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 22 नवंबर तक मतगणना पूरी हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में इसकी घोषणा कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 से 24 सितंबर को झारखंड का दौरा कर चुकी है, जबकि टीम 26 से 27 सितंबर को महाराष्ट्र जाकर भी लौट चुकी है। टीम के दौरे के बाद अब तक 15 दिनों में चुनाव की घोषणा होती रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आने के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी दिन यहां भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चूंकि दशहरा संपन्न हो चुका है, ऐसे में 14 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की संभावना है। इसी संभावना को देखते हुए झारखंड सरकार और राजनीतिक दलों ने भी अपने कार्यक्रम तय किए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक भी 12 बजे से बुलाई गई है, जबकि इससे पहले नियुक्ति पत्रों का भी वितरण किया जाना है। बता दें कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। गढ़वा के मदगड़ी गांव में प्रतिमा विसर्जन को लेकर बवाल, कई घायल। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन मार्ग को लेकर रविवार को विवाद हो गया है। सूचना पर प्रशासन ने उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब लोग नहीं माने तब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाठी चार्ज और पथराव में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों का इलाज स्थानीय रामानुजगंज अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस का कहना था कि कोरोना काल में प्रशासन की ओर से जिस नए मार्ग का निर्धारण किया गया था, उसी मार्ग से इस बार भी लोग विसर्जन जुलूस निकाले, जबकि पूजा समिति और गाँव के लोग कोरोना काल में बदले गए मार्गों से इस बार भी जुलूस निकालने के आदेश का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि वे वर्षों से जिस मार्ग से मूर्ति विसर्जन करते आ रहे हैं, उसी रास्ते से इस बार प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकालेंगे। जब प्रशासन तैयार नहीं हुआ तब स्थानीय लोग विरोध करने लगे और बवाल शुरू हो गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर रांची में जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में हैं। आज 14 अक्टूबर को रांची के मोराबादी मैदान में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। वहां वे बापू वाटिका में छात्र अदालत लगाएंगे। बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से बापू वाटिका के समीप अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं। छात्र नेता सफी इमाम ने मीडिया को बताया कि 14 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों से लगभग 1 लाख अभ्यर्थी मोराबादी मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद छात्र अदालत लगाई जाएगी, यहीं से परीक्षा को रद्द करने की रणनीति बनाई जाएगी। सफी इमाम ने कहा है कि इस बार निर्णायक लड़ाई है, सरकार को वार्ता के लिए बाध्य किया जाएगा। 2 बार जेएसएससी कार्यालय के समीप आंदोलन हो चुका है, कोई परिणाम नहीं आया। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा रविवार को पूरी तरह ठप रही है। इससे राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार 108 नंबर पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। कई बार तो फोन ही नहीं उठ रहा है। हालांकि 108 की सेवा उपलब्ध करा रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी सेवा को बहाल करने और कर्मचारियों को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रविवार और पूजा के बाद का दिन होने की वजह से थोड़ी राहत
रही है, लेकिन सोमवार को इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि चालकों ने एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में खड़ा कर दिया है। बताते चले कि 108 सेवा को वेतन का भुगतान नहीं होने सहित चार मांगों को लेकर ठप किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी नहीं दे सरकार संघ। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का विरोध किया है। संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नियमावली का प्रस्तावित प्रावधान राज्य के 20,000 प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के अवसर को कुचलने वाला है। इसके द्वारा अविभाजित बिहार राज्य के समय से स्वीकृत और प्रधानाध्यापक के पदों में से आधे पदों को 2016 में नियुक्त शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के सेवा संवर्गों के लिए एक उदाहरण है। ये सभी पद प्रोन्नति के हैं और विभाग के जानबूझकर प्रोन्नति को अविलंब रखा। इससे प्रोन्नति के लिए अर्हताधारी शिक्षक इस पर पदस्थापित होने से वंचित रहे, लेकिन इन पदों पर पूर्व से नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति न देकर सेवा में कन्या शिक्षकों के लिए आधे पदों का आरक्षण किया जा रहा है, जिस पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ सहित कई प्राथमिक शिक्षक संघों ने विभागीय सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज की थी। झारखंड में 17 लाख अबुआ आवास बनाने की तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धि साझा की है। उन्होंने कहा है कि इन पहलों का उद्देश्य प्रत्येक झारखंडवासी को बुनियादी सुविधा देना और उनका जीवन स्तर में सुधार करना है। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उन्होंने कहा है कि हर झारखंडी का अपना आवास होगा। जैसे उनकी सरकार ने मैया समान योजना को घर घर पहुँचाया है, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का पक्का का मकान होगा। उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर देने की अपनी उपलब्धि बता खुद की पीठ थपथपा जाते हैं। उनकी सरकार 8 लाख मकान बनवा रही है और बाकी के 17 लाख मकानों की तैयारी शुरू कर दी गई है। वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सबकी अपनी पक्की छत नहीं होगी। झारखंड से लौटा मानसून। राजधानी समेत झारखंड से रविवार को मानसून की वापसी हो गई है। गत शुक्रवार को केवल चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार से लौटा मानसून अगले 48 घंटे बाद राज्य के शेष भागों से भी लौट गया है। राज्य में मानसून आगमन गत 21 जून को हुआ था। इस बार झारखंड में मानसून सामान्य रहा है और केवल 1% कम बारिश हुई है। इसकी वापसी के साथ ही राज्य में मौसम बदलाव हो चुका है। मानसून के बाद का सर्द सीजन आरम्भ हो गया है। बता दें, रांची में 1 जून से 30 सितंबर तक 1205 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान 1027.7 मिलीमीटर सामान्य औसत बारिश होती है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए 74% उपस्थिति अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजकर कहा है कि अगर अचानक से निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कुछ छात्र बिना किसी सूचना या छुट्टी में अनुपस्थित हो रहे हैं, तो माना जाएगा कि वो नियमित स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा देने से रोका भी जा सकता है। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई के केंद्र नहीं होते, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास में उनकी अहम भूमिका होती है। इसमें नियमित कक्षा और अनुशासन सबसे अधिक आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास। कामकाजी और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को राज्य सरकार सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की सुविधा देगी। मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित सखी निवास योजना के तहत यह आवास संचालित किया जाएगा। बता दें, पहले चरण में राज्य के 8 जिलों सरायकेला, खरसावा, देवघर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, रांची और खूंटी में संचालित किए जाएंगे। योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का होगा। आवास के लिए राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कुल 3.99 करोड़, केंद्र का 2.91 करोड़ और राज्य का 1.08 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सखी निवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
हेमंत कैबिनेट की बैठक आज 12 बजे से शुरू। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट में कई लोक लुभावने फैसले लिए जा सकते हैं। पलामू से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। पलामू के नवा जयपुर पुलिस की सक्रियता से रविवार को बड़ी घटना टल गई है। नवा जयपुर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे ने गुप्त सूचना पर एक व्यक्ति को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के कोलहुआ टोला भीतियाही के संतु कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में संतु कुमार महतो कोई बड़ी घटना का अंजाम देने की फिराक में है। वह पिस्टल लेकर घूम रहा है। उसने दो राउंड फायरिंग भी किया है। सूचना पाकर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे सक्रियता दिखाई, संतु को गिरफ्तार कर उसके पास से लोडेड एक देसी कट्टा दो खोखा बरामद किया है। गढ़वा में हाथियों ने युवक को कुचलकर मार डाला। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले रमकंडा और भंडारिया में हाथियों का आतंक जारी है। शनिवार की रात भंडारिया से दशहरा देखकर जोनही खाड़ के रास्ते अपने गांव चुटिया लौट रहे 28 वर्षीय युवक रामदेव सिंह को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। हाथी इतने आक्रोशित थे कि रामदेव को पटकते पटकते उसे जंगल में ले गए। इस घटना में बाइक पर बैठे तीन अन्य युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुबह ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वन विभाग व पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर में 30 प्रश्न एक एक अंक के होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के पत्र के अनुरूप परीक्षा आयोजन को लेकर सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग ने इस आशय का पत्र जैक को भेज दिया है। अब वर्ष 2025 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में वर्ष 2024 के अनुरूप ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक अंक के होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उन्हें छोड़कर सभी विषयों में 20-20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन संबंधी स्कूल कॉलेज के स्तर से होगा। ज्ञात हो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। शिक्षा विभाग ने पूर्व में परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कम करने को कहा था। इसके तहत बहुविकल्पीय प्रकृति के 20%, लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के 60% व 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन कराने को कहा गया था। पलामू में दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म। नौडीहा थाना क्षेत्र के दो नाबालिग के साथ में 6 लड़कों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के अष्टमी के रात्रि में दोनों नाबालिग अपने रिश्ते के भाई के साथ एक बाइक पर सवार होकर सरायडीह गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए थे। तीनों रात के करीब 2:30 बजे घर के लिए लौट रहे थे। इसी क्रम डकरा सरायडीह के बीच सलैया गांव के पास सुनसान जगह देखकर दो बाइक पर सवार 6 लड़कों ने अकेला पाकर रोक दिया। नाबालिग के साथ युवकों को बंदी बनाकर दोनों नाबालिगों के साथ एक शेड में दुष्कर्म किया है। नाबालिग द्वारा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया। बता दें, पिता का नाम व गाँव पूछकर छोड़ दिया गया। नाबालिग घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी है। मुंबई के झारखंड भवन का सीएम हेमंत करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन की आधारशिला रखेंगे। 14 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री मुंबई में निर्माण होने वाले झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी झारखंड का दूसरा झारखंड भवन होगा। झारखंड भवन मुंबई में सेक्टर 30A वासी नवी मुंबई महाराष्ट्र में बनेगा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।